स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने एक नहीं दो दो बैंक्स के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर अगर मुझे फ्यूचर में कोई मल्टीपल रिटर्न कमाना है तो किस बैंक के ऊपर निवेश करूं। और बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट्स किया है, सर आप मुझे एक बार इस दोनों बैंक के बारे में एक बार डिटेल्स डिस्कशन करिए, अगर दोनों में से कोई भी एक को चुनना है तो कौन सा बैंक को चुनूं। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा दो बैंक के बारे में, दोनों ही प्राइवेट कंपनी है, तो उस बेसिस में दोनों का मार्केट कैप सेम टू सेम है, तो किस कंपनी के ऊपर खरीदारी करना चाहिए और दोनों बैंक का नाम कौन सा है, एक है आईडीबीआई बैंक और दूसरा है आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी और आईडीबीआई, तो ये दोनों बैंक के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। दोनों ही देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी है और दोनों में ही क्या डिफरेंस है और कौन सा बैंक आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, सारे डिटेल्स डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं बैंक्स के बारे में, तो बैंक्स इंडिया के एक पिलर जैसे हैं, हर किसी कंट्रीज के पिलर जैसे बैंक देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पिलर ना हो तो कोई भी बिल्डिंग खड़ा नहीं हो सकते। सेम टू सेम बैंक्स ना हो तो कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ नहीं हो सकता, तो बैंक्स के बिना कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि देखिए बैंक्स ज्यादा रहेंगे तो उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोन का रिक्वायरमेंट भी होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेकर काम करेंगे तो उसका फायदा इंटरेस्ट के माध्यम से बैंक को मिलेगा और बैंक उसी पैसे को इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए जरूर हेल्प करेंगे। तो आज उसी से जुड़े हुए दो बैंक्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट जो बैंक है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आज तो इस कंपनी का नाम आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखने को मिला है, एक टाइम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो था उसके साथ एक मार्च किया गया था कैपिटल फर्स्ट को, तो कैपिटल फर्स्ट को इस दोनों कंपनी का मार्च करके बना गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आप सभी जानते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक छोटा सा बैंक है, फिर भी धमाका जैसे परफॉर्मेंस किया और आज कंपनी जिस लेवल में स्टार्टिंग हुआ था, मतलब जिस लेवल में लिस्टिंग हुआ था, उस लेवल तक आ चुके हैं। तो फिलहाल के लिए कहां तक जा सकते हैं और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आईडीएफसी बैंक का जो ब्रांचेस है उसके बारे में चर्चा करूं, तो आईडीएफसी बैंक के जो टोटल ब्रांचेस है 809 ब्रांचेस है, 925 एटीएम्स है और बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है मैं आपको बता दूं, कंपनी का कासा रेशियो। अभी कासा रेशियो क्या होता क्या है, कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो करंट और सेविंग अकाउंट में कितने पैसा बैंक्स को मिले, जो पैसे को बैंक्स इजीली उस पैसे को दूसरों को लोन्स के हिसाब से दे सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए बैंक का हमेशा टारगेट रहते हैं कि सबसे ज्यादा मार्केट से वो कासा रेशियो के हिसाब से पैसा उठा पाए। अभी क्वेश्चन ये आएगा, सर बैंक तो कासा रेशियो के माध्यम से पैसा उठा रहा है, उसके बाद भी बैंक रिजर्व बैंक से पैसा उठाते हैं और भी अलग अलग जगह से पैसा उठाते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा कासा रेशियो में क्यों होता है। देखिए कासा रेशियो का मतलब है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो सेविंग और करंट अकाउंट में इस दोनों के बारे में बात करूं, देखिए सबसे ज्यादा लो अगर इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है वो है सेविंग अकाउंट में, और करंट अकाउंट के लिए तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो ये जो फायदा है ये बैंक का डायरेक्टली हो जाते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट के हिसाब से है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और करंट अकाउंट के हिसाब से बैंक के पास आप पैसा जमा कर रहे हैं। अगर आप दूसरे टाइम बैंक से लोन लेना चाहे तो आपके पास करंट अकाउंट तो होना चाहिए उस अकाउंट उस बैंक में, उसके साथ साथ आपका एक्स्ट्रा बहुत सारे पैसा भी करंट अकाउंट के माध्यम से बैंक के पास जमा होना चाहिए, तब आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और लोन भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। अभी इस बैंक के मतलब आप आईडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं, तो आईडीएफसी भी एक पुराना बैंक है और इस बैंक का कासा रेशियो जो है वो 52 के आसपास है। इसका मतलब जो देखा जाए तो जो आईडीबीआई बैंक है इसका कासा रेशियो कितना है, इसका कासा रेशियो 49.77% और आईडीबीआई बैंक का कासा रेशियो कितना है, उसका कासा रेशियो है 52.61%। तो दोनों में आप देख सकते हैं फर्क कितना है, ऑब्वियसली आईडीबीआई बैंक का जो कासा रेशियो है वो ज्यादा है, जिस बैंक का कासा रेशियो ज्यादा रहेंगे उसी बैंक का फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। तो टोटल जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं
उनमें से सबसे ज्यादा कासा रेशियो देखने को मिलता है कोटक महिंद्रा बैंक में। उसके बाद बाकी जो 50, 55%, 52% इस तरीके से कासा रेशियो बाकी सारे बैंक्स के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। अभी चले जाते हैं मेन मुद्दे के बाद में, दोनों कंपनी के कंपेरिजन में। देखिए कंपेरिजन के, दोनों कंपनी का कंपेरिजन करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो है, तो दोनों का पी रेशियो मतलब पहले को कौन सा बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा है आईडीबीआई बैंक, दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोनों के पी रेशियो के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो पी रेशियो है वो 12 के आसपास है, आईडीबीआई बैंक का जो पी रेशियो है वो 13 के आसपास है। इसका मतलब पी रेशियो एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिले। अभी दोनों के जो मतलब इंटरेस्ट इनकम है उसके बारे में चर्चा करूं तो आईडीबीआई बैंक का जो इंटरेस्ट इनकम है उससे कई गुना ज्यादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखने को मिल जाएगा। आदर्श इनकम के बारे में बात करूं तो दोनों का सेम टू सेम दिखेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करूं तो इंटरेस्ट जो इनकम आते हैं वो कितना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ज्यादा देखने को मिला, करीबन 1,26,000 करोड़ के आसपास, और आईडीबीआई बैंक का 1,14,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो ऑपरेशन एक्सपेंस जो है, जो एक्सपेंस हो रहा है वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ज्यादा देखने को मिला, 1,21,000 के आसपास, और आईडीबीआई बैंक का कितना, 72,000 के आसपास। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 42,200 के आसपास, और यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 5,289 के आसपास। तो दोनों में सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करूं, टैक्स पेमेंट करने के बाद दोनों के हाथ में प्रॉफिट कितना है। देखिए आईडीएफसी बैंक का बहुत सारी चीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बहुत सारी चीज पॉजिटिव देखने को मिला था। प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्सेस उसके बारे में चर्चा करूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट कम है, आईडीबीआई बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देखने को मिला। अभी दोनों का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 10 के आसपास है, आईडीबीआई बैंक का 18% के आसपास देखने को मिला। अभी देखिए दोनों बैंक का डिपॉजिट कितना है। देखिए डिपॉजिट के बारे में बात करूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डिपॉजिट जो है वो बहुत कम है, करीबन 14,45,000 करोड़ के आसपास। उसी तरीके से अगर आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूं तो 25,50,000 करोड़ के आसपास इसका डिपॉजिट देखने को मिलेगा। इसका मतलब डिपॉजिट जितना होगा उतना ही बैंक के हाथ में पैसा होगा, उस पैसे को वो रीयूज कर सकते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो आईडीबीआई बैंक का ज्यादा है, आईडीबीआई बैंक का कम है और आईडीएफसी बैंक का ज्यादा है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला आईडीबीआई बैंक में। और यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का मतलब है आप जो जितना डिपॉजिट हो रहा है उतने कितना खर्चा हो रहा है कंपनी का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आईडीबीआई बैंक का खर्चा बहुत कम है, 3.1 रुपीज के आसपास, और जहां पे आईडीएफसी बैंक का 4.3 रुपीज के आसपास देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम है, 4.4 के आसपास है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 5.9 के आसपास देखने को मिला। नेट फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं तो फिक्स्ड एसेट आईडीबीआई बैंक के पास बहुत ज्यादा है और आईडीएफसी बैंक के पास 19,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो आप और भी देखेंगे तो कंपनी के बोरिंग्स कर्जा कितना है। देखिए जिस बैंक के पास जितना ज्यादा कर्जा है वो बैंक उतना ज्यादा लोन कस्टमर को दे पाएंगे। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कर्जा बोरिंग्स बहुत ज्यादा है, करीबन 5,70,000 करोड़ के आसपास। उसी तरीके से आईडीबीआई बैंक के जो मतलब टोटल बोरिंग्स है 1,26,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी टोटल एसेट के बारे में बात करूं तो एसेट में आईडीएफसी बैंक से भी ज्यादा आईडीबीआई बैंक का टोटल एसेट देखने को मिला, जैसे 3,31,000 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 3 लाख नहीं होगा, 33 लाख के आसपास होगा, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कितना है, 23 लाख के आसपास। तो 23 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला है, 23 लाख के आसपास देखने को मिला है। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेप्थ इक्विटी रेशियो, मतलब पर इक्विटी में कितना डेप्थ है। देखिए पर इक्विटी डेप्थ के बारे में बात करूं तो आईडीबीआई बैंक का डेप्थ बहुत कम है, 5.8 के आसपास है, यहाँ पे आईडीएफसी बैंक का 7.8 देखने को मिला।
रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करो, रिटर्न ऑफ एसेट दोनों का सेम टू सेम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी सेम टू सेम देखने को मिला। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है सबसे पहले वो बता दूं। देखिए आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कि हर किसी बैंक के पास 9% से ज्यादा पैसा पड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने सारे कस्टमर सेविंग अकाउंट में पैसा और करेंट अकाउंट में पैसा बैंक के ऊपर रखे हुए हैं, उस पैसे को वो कभी ना कभी विड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं। तो हर दिन कोई पैसा जमा भी करते हैं, कोई विड्रॉ भी करते हैं। तो विड्रॉ जब किया जाता है तो उस टाइम में अगर बैंक के पास पैसा ना हो तो कस्टमर तो यही कहेंगे कि बैंक के ऊपर पैसा रखना ठीक नहीं होगा, तो बैंक के ऊपर लोग पैसा नहीं रखेंगे। तो जिसके चलते हुए कंपनी ये कहा कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उस हिसाब से जिसका रेशियो ज्यादा होगा उसका ही प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी के रेशियो के हिसाब से बात करूं तो 20 के आसपास यहाँ पे कंपनी का आईडीबीआई बैंक का 20 के आसपास देखने को मिला, जो अच्छी बात है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर 16% के आसपास है। और दोनों का जो एनपीए है दोनों का सेम टू सेम है, एनपीए जितना कम रहेगा उतना ही पॉजिटिव रहेगा। अभी दोनों के पास प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो आप देखकर चौंक जाओगे। देखिए आईडीबीआई बैंक का यही सबसे बड़ा वीकनेस है, आईडीबीआई के 94% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। इसका मतलब प्रोमोटर ही इसका सब कुछ है। और प्रोमोटर में कौन है, आईडीबीआई बैंक के प्रोमोटर है एलआईसी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब पूरा का पूरा शेयर गवर्नमेंट के पास है। और दूसरे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करीबन 39% के आसपास देखा जाए तो प्रोमोटर के पास है। और फॉरेन इन्वेस्टर के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड किया देखा जाए तो आईडीबीआई बैंक में और आईडीएफसी बैंक के आसपास 34% के आसपास। अभी एफआईएस ने क्या किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 24% के आसपास होल्डिंग किया। आईडीबीआई बैंक के ऊपर तो होल्डिंग कहां से करेंगे, पहले से ही तो प्रोमोटर ने होल्डिंग ज्यादा करके रखे हैं। और बाकी जो रिटेल पब्लिक है उसके बारे में चर्चा करूं तो 60% रिटेल पब्लिक के पास होल्डिंग है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये था पूरा के पूरा कंपनी के डिटेल्स। अभी दोनों कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आईडीबीआई बैंक का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। कंपनी स्टार्ट जब से हुआ 1999 से देखा जाए तो कंपनी में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बहुत हाई वोलेटिलिटी है। क्यों, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में उतना ज्यादा कंपनी का ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अभी इस कंपनी का प्राइस जो है लो लेवल का प्राइस जो देखने को मिला करीबन 18 रुपीज के आसपास, और करंट जो फिलहाल की जो प्राइस है वो 60 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। तो ये तो आईडीबीआई बैंक का चार्ट है। और आईडीएफसी बैंक के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, जब से स्टार्ट हुआ थोड़ा सा नीचे आया था और एक करेक्शन हुआ था कोविड के टाइम में, फिर से कंपनी रिकवर भी किया और इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसके ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो दोनों कंपनी को कंपेयर करके एक ही चीज कहूंगा, आईडीबीआई जो बैंक है वो बैंक देखने में बहुत अच्छा है, ये बात सही है। फिर भी उसके जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है और जिसके पास 94% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला, जो एक खतरा जरूर बना सकते हैं, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो सोचिए होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा होगा तो उस शेयर को बेचना पड़ेगा, तो तब इस शेयर में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकते हैं। और रही बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी जो ऑपरेटर है जो प्रोमोटर है वो मतलब पब्लिक है, ज्यादा पब्लिक और इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है, जहां पे एक क्लास पॉइंट है उस कंपनी में ग्रोथ होने का। और रही बात इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा देखने को मिला, तो आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो मुझे लगता है और भी ज्यादा हायर चांस में जाने का पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे मेरे खुद के ओपिनियन पूछेंगे कि इस दोनों बैंक में सर आप किस बैंक के ऊपर प्रेफर करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ कि दोनों बैंक में मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा लगता है। तो आप कौन सा बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा मतलब भरोसा करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लक्ष्य से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।